पाकिस्तान से आया हूँ और मेरा नाम जो है वो माहिद है और ये जो मुझे सोरायसिस का मसला है और एचएसवी का जो मसला है मुझे ये बहुत काफ़ी टाइम का है। तो डॉक्टर साहब ने जो है नेट के ऊपर जो ये बयान दिया है वो मैंने नेट से निकाल के नेट के ज़रिए निकाल के और इंडियन एम्बेसी वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने मुझे वीज़ा दिया और मैं यहाँ चला आया अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ के जो डॉक्टर है डॉक्टर राजेश शाह साहब ये एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत समझदार इंसान है और इसका जो डिपार्टमेंट है उसके सब वर्कर जो है बहुत अच्छे हैं और इसका काम जो है वो बहुत तसल्ली से है और मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया तो वो बहुत सही है और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतना करेंगे। मैंने तो सोचा पाकिस्तान की तरह ट्रीटमेंट लिए मुझे मेरे करके और मुझे वापस कर देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरे साथ जो है बहुत अच्छा सलूक किया है और मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है और मैं इनके ट्रीटमेंट से बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे ठीक कर देगा। मेरी अपने परवरदिगार से ये दुआ है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरी आप लोगों से तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जो बीमारियाँ नाइलाज हैं और उनका इलाज नहीं है और आप लोग समझते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता तो आप प्लीज़ आप इन लोगों से इनके जो है इनसे रब्ता करके आप इन लोगों के पास आए यहाँ पे और अपना इलाज करें ताकि आप लोग ठीक हो जाएं। ये सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जब ये शुरू होती है ये मेरे को है, मेरे को तकरीबन 18-20 साल से ये सोरायसिस है मुझे। ये इसके जब अलामत इसका शुरुआत होते हैं तो इंसान जब बैठा होता है या लेटा होता है चारपाई पे या काम कर रहा है तो ये इंसान को उजली सी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो है ये सोरायसिस के निशान है, इससे सोरायसिस आती है एक साल बाद डेढ़ साल बाद। तो आप लोगों को चाहिए कि जैसे ये अलामत शुरू हैं तो आप लोग इनसे मशवरा करें और डॉक्टर राजेश साहब से मिलें आपको और इनसे रब्ता करें और आप पहले से ट्रीटमेंट लें तो ताकि आपका जिस्म जो है वो साफ रहेगा, वो आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि आपके ऊपर जो है सोरायसिस है। और अगर मेरी तरह आप लोगों के ऊपर टाइम गुजर गया तो फिर ठीक होने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसकी फिक्र जो है आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए।